हमें क्या बनना है? शूद्र बन के रहना है, वैश्य बन के रहना है, क्षत्रिय बन के रहना है, ब्राह्मण बन के रहना है, योगी बनना है, ऋषि बनना है, मुनि बनना है, आखिर क्या बनना है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम एक पवित्र, हमारी जब पैदाइश होती है तो मेरी कोई जाति नहीं होती, ये तो हम इस दुनिया में अपने आप को एक जाति के बंधन में बांध लेते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर आपका विभाजन होगा तो आपके कर्मों से होगा। अब आप खुद सोचिए कि मुझे क्या बनना है। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपका आकलन किया जाएगा कि आप हैं क्या। आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, आखिर क्या हैं? देखिए, कहा जाता है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितान उपाश्रियति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल इव विस्तारिता बुद्धि। यानी कि जो पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, प्रश्न पूछता है, विद्वानों की संगति करता है, उसकी बुद्धि वैसे ही प्रखर हो जाती है जैसे सूर्य की किरण जब कमल के पंखुड़ी पे पड़ती है तो कमल खिल जाता है। तो आपको अपने बुद्धि को खिलाना है और आपको क्या बनना है ये आपको खुद ही सोचना है। अब आप देखिए, कुछ लोग जो होते हैं अपने जीवन को खूब अच्छी स्त्री मिल जाए, खूब जो है कपड़े अच्छे हों, सोने गहने और आभूषण, यानी कि सुंदरता और भोग विलास के चीजों में ही अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। जानते हैं वो क्या है? उन्हें किसी भी जात में वो पैदा हुए हों, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से शूद्र है। अब आप देखिए कि आप कहां हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो तीनों रात धनार्जन के चक्कर में पड़े हैं, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, इतना पैसा हो जाए। अरे भाई, क्या करोगे पैसे को? पैसे को आखिर क्या करोगे? पैसा तो ठीक है, हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन आखिर आप सब कुछ छोड़ करके 24 घंटा इसी में लगे हो। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वाभाविक रूप से वैसे हैं, बनिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना पावर हो जाए कि मैं जिसको चाहूं उसको अपने घुटने के नीचे कर लूं, मैं जो चाहूं वो करे वो, यानी कि मेरे पास इतनी ताकत हो जाए। वो ताकत के लिए जो है पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। जानते हैं वही लोग क्षत्रिय। अब आप देखिए कि आप कहां हैं। कुछ लोग जो होते हैं पढ़ने लिखने में, ज्ञान बांटने में, ज्ञान देने में और सामाजिक कार्यों में, धर्म में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यानी कि वेदाहमेतम पुरुषम महत्तम आदित्य वरणम तमसो परस्ताप त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेतम नान्याह पंथा विद्यते आयनाय। और ये सो न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः
ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अभी कुछ लोग अपने आप को इस तरह से जीवन जीने में विश्वास करते हैं। जानते हैं वही जो है ब्राह्मण होते हैं, वो किसी भी कुल में पैदा हों, किसी भी जाति में पैदा हों, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो ब्राह्मण है। कुछ लोग योग तप साधना और अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। जानते हैं वही लोग योगी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे हम अपने शरीर का एक एक टुकड़ा समाज के लिए अर्पित करते हैं। वो शून्य हो जाते हैं अपने आप को, वो किसी अलग दुनिया में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। ऋषि, वही ऋषि और मुनि, वो मुनि होते हैं जो बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, अपने कनेक्शन सीधे सीधे परमात्मा से जोड़ लेते हैं। तो अब आप देखिए कि आपको क्या बनना है, और देखिए सबसे ज्यादा आप खुद महसूस करिए कि आखिर आनंद की प्राप्ति कहां है। साथियों, यही अज्ञानता जिस दिन हमारी दूर हो जाएगी, हम अपने मानव रूपी जीवन को धन्य कर लेंगे। कहा गया है कि कुचेलिनम दंतमलो पधारिणम बहवसिना निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदय अस्तमय पिसैनम विमुंचयति शरीरपि चक्रपाणी। तो आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए, और सचमुच में ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है, तो इस जीवन को आप ऐसे जगह स्थापित करिए जहां पे आपको खुद जब अपने आत्मा से आप संवाद करें तो आप खुद आपकी आत्मा आपको धन्यवाद करे कि नहीं, आपने सचमुच अपने जीवन को सही जगह पे स्थापित किया है। तो आप अपने आप को कहां रखना है आज हमने बताया, और अपने आप को स्थापित करिए और जीवन का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।